चुड़ैल के इतना कहते ही मोटू कालिया राक्षस रानी परी के दोनों पंख काट देता है। काले राक्षस को अपनी पूंछ में दबोच लेती है। एक समय की बात है, परीलोक में रानी परी के साथ कुछ परियां अपने अंडे की देखभाल कर रही होती हैं। तभी अचानक आकाश मार्ग से मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल रानी परी का अंडा चुराने के लिए वहां आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस वह देखो उस परी का अंडा, जल्दी से अंडे को उठा लो। ऐसा कहकर वह दोनों जबरदस्ती रानी परी का अंडा उठा लेते हैं और उसे अपनी मैचस्टिक्स गाड़ी में रखकर ले जाने लगते हैं। रानी परी कहती है, बहन जल्दी से इस चुड़ैल को पकड़ो वरना यह मेरा अंडा ले जाएगी और मेरे बच्चे को मार कर खा जाएगी। ऐसा कहकर सभी परियां भी चुड़ैल और कालिया राक्षस का पीछा करती हैं। रुक जा चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है मेरे अंडे को, मुझे मेरा अंडा वापस कर। चुड़ैल कहती है, मेरा पीछा मत कर परी, वापस लौट जा, मेरा पीछा करके तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन परियां उस चुड़ैल का पीछा नहीं छोड़ती हैं। तभी चुड़ैल काले राक्षस से कहती है, मोटू कालिया राक्षस यह परी ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम अपने कुल्हाड़े से इस परी के पंख काट दो। चुड़ैल के इतना कहते ही मोटू कालिया राक्षस रानी परी के दोनों पंख काट देता है। पंख काटते ही रानी परी आसमान से नीचे गिरने लगती है और जमीन पर आकर गिर जाती है। रानी परी कहती है, बहन अब क्या होगा, वह दुष्ट चुड़ैल और राक्षस मेरे अंडे को खा जाएंगे, हे भगवान मेरी मदद करो। वहीं धरती लोक पर घूम रही इच्छाधारी नागिन रानी परी की आवाज सुन लेती है। नागिन कहती है, अरे लगता है कोई मुसीबत में है, जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन रानी परी के पास आती है। अरे बहन क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की। रानी परी इच्छाधारी नागिन को सारी बात बता देती है। नागिन बहन अब मैं क्या करूँ, बिना पंखों के तो मैं उड़ भी नहीं सकती। रानी परी के इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति से रानी परी के दोनों पंखों को फिर से जोड़ देती है। परी बहन तुम चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह तुम्हारे अंडे को उन दुष्टों से बचा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल परी के अंडे को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और काले राक्षस से कहती है, मोटू कालिया राक्षस जल्दी से जाकर नदी से पानी लेकर आओ, फिर हम दोनों इस अंडे को बड़े मजे से खाएंगे, तब तक मैं इस अंडे को पकाने की तैयारी करती हूँ। मोटू कालिया राक्षस उसी समय नदी पर जाकर पानी भरने लगा है। तभी उसी समय इच्छाधारी नागिन और रानी परी वहाँ आ जाते हैं। रानी परी कहती है, नागिन बहन यह तो वही दुष्ट राक्षस है जो मेरे अंडे को ले गया था। इच्छाधारी नागिन उसी समय काले राक्षस को अपनी पूंछ में दबोच लेती है। अरे दुष्ट राक्षस अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से बता, कहाँ है रानी परी का अंडा, वह चुड़ैल उसे कहाँ लेकर गई है, जल्दी बता वरना मैं तुझे इस नदी में फेंक कर पाताल लोक पहुँचा दूंगी। पूछ में जकड़ा हुआ मोटू राक्षस कहता है, इच्छाधारी नागिन मुझे छोड़ दो, मैंने यह सब उस चुड़ैल के कहने पर किया है, उस चुड़ैल ने मुझे परी के अंडे का ऐसा लालच दिया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वह चुड़ैल परी के अंडे को अपनी गुफा में लेकर गई है, वह अंडे को खाने की तैयारी कर रही है। मोटू राक्षस की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन और सभी परियां उसी समय चुड़ैल की गुफा में आ जाती हैं। उन सभी को एक साथ देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और भागकर अपनी माचिस गाड़ी में जाकर छिप जाती है। रानी परी कहती है, बाहर निकल दुष्ट चुड़ैल, कहाँ छिपी बैठी है। नागिन कहती है, परी बहन यह चुड़ैल ऐसे बाहर नहीं निकलेगी। तभी इच्छाधारी नागिन चुड़ैल की उस माचिस गाड़ी को आग लगा देती है। आग में झुलसती वह चुड़ैल बाहर आ जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। परीलोक की सभी परियां इच्छाधारी नागिन का धन्यवाद करती हैं। नागिन बहन मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तीनों मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। एक समय की बात है, मोटू कालिया राक्षस और कुछ चुड़ैलें राक्षस गुरु के पास जाकर कहती है, हे राक्षस गुरु हमें इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना है, कृपा करके हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम हजार गुना शक्तिशाली हो जाएं और कोई भी हमारे सामने ना टिक सके। चुड़ैल की बात सुनकर राक्षस गुरु कहते हैं, इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इच्छाधारी नागिन के पास है, आने वाले कुछ समय में नागिन अपने वंश को जन्म देने वाली है, ब्रह्मांड की वह सारी शक्तियाँ जो इस समय नागिन के पास है वह सभी उनके बच्चे को मिल जाएंगी, इससे पहले कि वह शक्तियाँ नागिन के बच्चे को मिले तो मैं धरती लोक पर जाकर नागिन को खत्म करके उसका वह अंडा खाना होगा, उस अंडे को खाते ही तुम्हारी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। राक्षस गुरु की बात सुनकर मोटू राक्षस कहता है, जैसी आपकी आज्ञा राक्षस गुरु, हम तीनों के होते वह नागिन कभी अपने वंश को नहीं देख पाएगी। ऐसा कहकर वह तीनों उसी समय धरती लोक के लिए निकल जाते हैं।
धरती लोक पर आकर वे दोनों चुड़ैलें अपना रूप बदल लेती हैं और गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करने लगती हैं। वहीं मोटू कालिया राक्षस गांव में मटन चिकन की रेडी लेकर मटन चिकन बेचने लगता है। मटन ले लो, मटन चिकन ले लो, चिकन आओ गांव वालो, मटन खा लो, आ जाओ गांव वालो, चिकन खा लो। ऐसा कहते हुए कालिया राक्षस वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर उस गर्भवती इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। उस गर्भवती नागिन को देखकर मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे वाह, राक्षस गुरु तो सही कह रहे थे, यह नागिन तो सचमुच गर्भवती है। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया, मुझे जल्दी से यह बात चुड़ैलों को बतानी होगी। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस नागिन को मारने की तरकीब लगाने लगता है और मटन चिकन की रेडी वहीं चौराहे पर ही लगा लेता है और मटन चिकन बेचने लगता है। मटन ले लो, मटन चिकन ले लो, चिकन आओ गांव वालो, मटन खा लो। उसके मटन चिकन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वह कालिया राक्षस है और वह यहाँ किस मकसद से आया है। वहीं दूसरी तरफ वह भेष बदली हुई चुड़ैलें भी अपना काम कर रही होती हैं। एक चुड़ैल घरों में बच्चे संभालने का काम करती है और दूसरी चुड़ैल बकरियां चराती है। एक रात जब चुड़ैल बच्चे को संभाल रही होती है, तभी वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल कहती है, चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा, मन तो करता है कि तुझे यही मार कर खा जाऊं। अरे वह दूसरी चुड़ैल कहाँ रह गई? उसे नागिन मिली या नहीं, जाकर पता करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बच्चे को लेकर दूसरी चुड़ैल के पास पहुँच जाती है और कहती है, अरे बहन क्या हुआ, वह गर्भवती नागिन मिली या नहीं? नहीं बहन, सुबह से बकरियां चरा चरा कर मेरा दिमाग खराब हो गया है, परंतु वो नागिन कहीं नहीं मिली। चलो बहन, कालिया राक्षस के पास चलते हैं, हो सकता है उसे वह नागिन मिल गई हो। वहीं रात होते ही कालिया राक्षस आवाजें लगाने लगता है, आओ गांव वालो, आओ मुफ्त में मटन चिकन ले जाओ, आओ जल्दी से आओ गांव वालो, फ्री में मटन चिकन ले जाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ व्यक्ति मटन चिकन ले ले वहां आ जाते हैं। हाँ भाई, हमें चाहिए मुफ्त का मटन चिकन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको बहुत सारा मटन चिकन मुफ्त में मिलेगा। ऐसा कहकर कालिया राक्षस उन दोनों व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा लेता है और उन्हें मटन चिकन के बहाने लेकर उन दोनों चुड़ैलों के पास आ जाता है। वह तीनों मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। अगले दिन जब गांव की कुछ महिलाएं जा रही होती हैं, तो उन्हें रास्ते में उन लोगों के कंकाल और कुछ मरे हुए जानवर वहां पड़े मिलते हैं। यह सब देखकर गांव की महिलाएं घबरा जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन यह सब क्या है, जानवरों को किसने मारा, यह कंकाल किसके हैं? बहन लगता है हमारे गांव पर किसी भूत का साया है। ऐसा कहकर वह सभी औरतें इच्छाधारी नागिन लेकर कंकाल वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। उन कंकालों और मरे हुए जानवरों को देखकर इच्छाधारी नागिन सब समझ जाती है कि यह सब किसका किया है। इच्छाधारी नागिन बिना टाइम गवाए साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। साधु बाबा मेरी मदद कीजिए, अब आपको ही मेरे बच्चे की रक्षा करनी है, वह तीनों कभी भी मुझे मारने यहाँ आते होंगे, कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह दोनों चुड़ैलें और कालिया राक्षस नागिन के अंडे तक ना पहुंच सके, यह सोचकर साधु बाबा उसी समय अपनी शक्ति से जन्म से पहले ही इच्छाधारी नागिन के गर्भ में से वह अंडा निकाल लेते हैं। उस रात जब नागिन अकेली होती है, दोनों चुड़ैलें और कालिया राक्षस वहां पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वह तीनों नागिन को अपने ठिकाने पर लाकर उसी समय मार देते हैं, परंतु नागिन के गर्भ में अंडा ना पाकर वह तीनों हैरान हो जाते हैं। अरे यह क्या, इसके गर्भ में तो कोई अंडा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, राक्षस गुरु की बात झूठी कैसे हो सकती है, हमारे साथ धोखा हुआ है, इस नागिन ने कोई चाल चली है। इससे पहले कि वह तीनों वहाँ से निकलते, साधु बाबा नागराज और उसके बच्चे को लेकर वहाँ आ जाते हैं। नागिन को मरा हुआ देखकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख चुड़ैलो, यह तुमने सही नहीं किया, अब तुम तीनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर साधु बाबा नागराज और छोटू नागराज तीनों मिलकर उन सब की खूब धुलाई करते हैं। वे उन तीनों को इतना मारते हैं कि उनकी एक एक हड्डी तोड़ देते हैं और उन्हें झंडूम हासिल करा देते हैं। उन तीनों के मरने के बाद नागराज कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु मैं हमारे बच्चे की रक्षा अवश्य करूंगा और इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा।